वेलकम बैक। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स और हमारा टॉपिक है मोड। पिछले लेक्चर में हमने मोड की दो सीरीज में हमने मोड को डिस्कस किया था, मोड इन इंडिविजुअल सीरीज एंड मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के मोड को भी हमने जो है दो मेथड से सॉल्व करना देखा था, पहला इंस्ट्रक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग में अब इंस्ट्रक्शन मेथड हो गया था, ग्रुपिंग मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे हम सॉल्व करते हैं, या आप ये कहो कि किस केस में हम मोड की प्रॉब्लम को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, कि वो कंडीशंस क्या हैं, वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे इन विच वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, कि मोड की प्रॉब्लम को हम ग्रुपिंग मेथड से कब सॉल्व करेंगे। तो मैंने तीन कंडीशंस बताई थी, उनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप उस मोड की प्रॉब्लम को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करोगे, इंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व नहीं होगी। पहली कंडीशन थी कि व्हेन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हैव बीन गिवन ईदर इन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर किसी प्रॉब्लम में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या तो बिल्कुल पहले दी हुई है या बिल्कुल बाद में दी हुई है, अगर ऐसा है तो फिर आप उस मोड की प्रॉब्लम को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करोगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज अगर एक साथ दी हुई हैं। तीसरा था कि व्हेन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर इन एन इररेगुलर पैटर्न, जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक इररेगुलर पैटर्न में दिया हुआ है। तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन, कोई भी अगर एक सर्कमस्टांस होगा तो आप उस मोड की प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, उस केस में आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। अब ग्रुपिंग मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रुपिंग मेथड में आपको फ्रिक्वेंसी के 6 अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ते हैं और ग्रुप बनाने के बाद उनको टैली करना पड़ता है, टैली करने के बाद फिर से फ्रिक्वेंसी आपको फॉर्म करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन को हम देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुपिंग मेथड। अब एक इलस्ट्रेशन दी हुई है कि उसमें साइज ऑफ कॉलर दिया हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ लिखिए साइज ऑफ कॉलर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वही हमारी फ्रिक्वेंसी हम मानेंगे, तो साइज ऑफ साइज दिया हुआ है 32 से लेकर 41 तक, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 4, 11, 27, 25, 32, 31, 13, 11, 33 एंड 13। ये प्रॉब्लम है। अब अगर इसमें हम कि साइज ऑफ कॉलर दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हमारी फ्रिक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसी को हम फ्रिक्वेंसी मानेंगे। अब फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 4, 11, 27, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कि ये जो पैटर्न है वो इररेगुलर पैटर्न है। जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी हैज़ बीन गिवन इन एन इररेगुलर पैटर्न, फ्रिक्वेंसी जो है इररेगुलर पैटर्न में दी हुई है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करेंगे, अब इसको आप ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करोगे। अब ग्रुपिंग मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्वेंसी के, ये जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसके 6 ग्रुप बनाते हैं अलग अलग। अब कैसे उसके ग्रुप बनाएंगे, अब वो समझिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब मान लीजिए साइज ऑफ कॉलर को हम x मान लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रिक्वेंसी f मान लिया। ठीक, साइज दिया हुआ है कितना, साइज दिया हुआ है 32 से लेकर 41 तक, तो 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40 and 41। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 11, 27, 25, 32, 31, 13, 11, 33 and 13। अब देखिए तो अब इसमें आपको करना है ऐसे, तो इसके पहला ग्रुप तो यही है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप एज इट इज लिख दो। जो फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप में कितने ग्रुप बनेंगे, इसे 6 ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 तो इसके ग्रुप बनेंगे, ठीक। और उसके बाद एक कॉलम होगा टैली का और फिर एक कॉलम लास्ट होगा फ्रीक्वेंसी का, फिर से फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब देखिए तो पहला ग्रुप जो है ये, इसमें तो जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको आप एज इट इज लिख दो, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना उसमें, आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको फर्स्ट ग्रुप में आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। सेकंड ग्रुप जो है ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये टैली, ये फ्रीक्वेंसी। अब इसको सेकंड ग्रुप में दो दो के सेट बनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों को ऐड करके लिखना है, 4 + 11 = 15, 27 + 25 = 52, 32 + 31 = 63, 13 + 11 = 24, 33 + 13 = 46। तो पहला ग्रुप तो, दूसरा ग्रुप तो बन गया दो दो का, ठीक। अब तीसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप भी दो दो की फ्रीक्वेंसी का बनेगा, थर्ड ग्रुप भी दो दो की फ्रीक्वेंसी का बनेगा, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ दोगे। थर्ड ग्रुप फिर से दो दो फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा, लेकिन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप इग्नोर कर दोगे, उसको कंसीडर नहीं करोगे, यानी ग्रुप बनेगा ऐसे। एक चीज और याद रखना, जितनी फ्रीक्वेंसी आप ऊपर छोड़ दोगे उतनी फ्रीक्वेंसी नीचे छूट जाएगी, तो ये भी छूट गई, कोई बात नहीं, जितने हैं उसके ग्रुप बनाते हैं। तो 11 और 27 38, 25 और 32 57, 31 and 13 44 and 11 और 33 44, ठीक, क्लियर। अब आते हैं फोर्थ ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप जो है तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा, फोर्थ ग्रुप तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा और पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ ग्रुप तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा और पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, इट मींस ये और ये, एक छूट जाएगा तो रहने दो, उसे अवॉइड कर दो। तो ये हो गया 4 + 11 = 15 + 27 = 42, 25 + 32 = 57, 57 और 31 = 88, और 13 + 11 = 24, 24 और 33 = 57, ठीक, ये बन गया फोर्थ ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप के बाद फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप फिर से तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ दोगे, यानी ग्रुप बनेगा एक ये, एक ये और एक ये। अब देखिए 11 और 27 38, 38 और 25 63, 32 और 31 63, 63 और 13 76,
और 11 और 33 44, 44 और 13 57, ये बन गया फिफ्थ ग्रुप। अब आ जाइए लास्ट सिक्स ग्रुप में। सिक्स ग्रुप फिर से ये भी तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का बनेगा, तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा, लेकिन पहली दो फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ दोगे, यानी ग्रुप बनेगा एक ये और नीचे के भी दो छूट जाएंगे। तो बना दीजिए 27 और 25 52, 52 और 32 84, दूसरा 31 और 13 44, 44 और 11 55, ये हो गई ग्रुपिंग। ठीक, हमने छह के छह ग्रुप बना दिए फ्रीक्वेंसी के, एक ये 1 2 3 4 5 6। पहला ग्रुप फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो, सेकेंड ग्रुप दो दो की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा, तीसरा ग्रुप दो दो की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे, चौथा ग्रुप तीन तीन का सेट बनेगा पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, पांचवा ग्रुप तीन तीन की फ्रीक्वेंसी का सेट बनेगा पहली एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे, और छठा ग्रुप तीन तीन का सेट बनेगा पहली दो फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ दोगे। अब करते हैं टैलीज, यहाँ पे टैलीज। अब इस फर्स्ट ग्रुप में आ जाओ, फर्स्ट ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर हम देखें फर्स्ट ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, 33 के लिए वैल्यू क्या है 40, तो 40 के सामने टैली वाले कॉलम में एक टैली कर दीजिए। ठीक, ये वाला हो गया। अब सेकंड ग्रुप आ जाओ, सेकंड ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 63, 63 किन दो वैल्यू का टोटल है 32 और 31 का। सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 63 किन दो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 32 और 31 का, 32 के वैल्यू क्या है 36, तो एक टैली 36 के लिए कर दो और एक टैली 37 के लिए कर दो। ठीक, सेकेंड ग्रुप भी हो गया। अब थर्ड ग्रुप आ जाओ, थर्ड ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 57, 57 किन दो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 25 और 32 का टोटल है, 25 के लिए वैल्यू क्या है 35, तो एक फ्रीक्वेंसी 35 के लिए, और 32 के लिए वैल्यू क्या है 36, तो एक फ्रीक्वेंसी 36 के लिए। थर्ड ग्रुप भी हो गया। अब आ जाइए फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 88 किन तीन वैल्यू का टोटल है 88 आपका 25, 32 और 31 इन तीन का टोटल है, तो 25 के लिए वैल्यू क्या है 35, तो 35 के लिए एक टैली, 32 के लिए वैल्यू क्या है 36, तो 36 के लिए एक और टैली, और 31 के लिए वैल्यू क्या है 37, तो एक टैली 37 के लिए। फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 76, 76 किन तीन वैल्यू का टोटल है 32, 31 और 13, 32, 31, 13। अब 32 के लिए वैल्यू क्या है 36, 36 के लिए एक टैली और, 31 के लिए वैल्यू क्या है 37, तो 37 के लिए एक टैली, और 13 के लिए वैल्यू क्या है 38, 38 के लिए भी एक टैली। पांचवा ग्रुप भी हो गया। अब आ जाओ लास्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 84 किन तीन का टोटल है 84 आपका 27, 25 और 32 का, इन तीन का ही तो है टोटल, तो इनके लिए 27 के लिए वैल्यू क्या है 34, तो 34 के लिए एक टैली, 35 के लिए एक टैली और 36 के लिए। चार टैली के बाद फिर एक टैली इस तरीके से करते हैं पांचवा। ठीक है, अब सारे हो गए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 32 के लिए क्या टैली है निल, 33 के लिए टैली क्या है निल, 34 के लिए एक टैली है, 35 के लिए भी तीन टैली है, 36 के लिए पांच टैली है, 37 के लिए तीन टैली है, 38 के लिए एक टैली है, 39 के लिए कोई टैली नहीं है, और 41 के लिए एक टैली है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। अब इसमें देखिए इन फ्रीक्वेंसी में इतना सब कर लिया, अब इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, और ये 5 फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू के लिए है 36 के लिए। अगर इसको देखें इस 5 को, तो ये 5 जो है किसके लिए है, ये 5 जो है 36 के लिए है। तो अब जो है हमारी मोड वैल्यू क्या हुई
तो मोड वैल्यू हमारी होगी ये, दिस इज द आंसर। ऐसे हम करते हैं ग्रुपिंग मेथड में। अब ग्रुपिंग मेथड चाहे डिस्क्रीट सीरीज का हो और चाहे कंटिन्यूअस सीरीज का, ग्रुपिंग हम ऐसे ही करते हैं। पहला ग्रुप बना, पहले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी को एज़ इट इज़ लिखते हैं, सेकंड ग्रुप में दो दो का सेट बनाते हैं, तीसरे ग्रुप में दो दो का सेट बनाते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं, चौथे में तीन तीन का सेट बनाते हैं, पांचवे में तीन तीन का सेट बनाते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं, छठे में तीन तीन का सेट बनाते हैं, पहली दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं, उसके बाद टैली करते हैं, टैली के बाद फ्रीक्वेंसी करते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको लिए अब देखते हैं वो किस वैल्यू की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो उसी मैक्सिमम उसी वैल्यू को हम मोड वैल्यू मान लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंटिन्यूस सीरीज को और डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके इलस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा, वो करके देखना और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस मोड इन कंटिन्यूस सीरीज। थैंक यू वेरी मच।